जरा जल्दी से चलते हैं गाइस, बाहर जरा देखते हैं भाई वो आया कि नहीं अभी तक। वैसे आज का मौसम कितना बढ़िया हो रखा है यार। एक तो देखो भाई, गर्मी के मौसम में बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाता है, और आज काफी ज्यादा दिनों के बाद लॉस सैंटोस में भाई बारिश वाला मौसम हो रखा है। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है यार, ये एकदम मस्त घूमने लायक मौसम है। और इसी मौसम में गाइस मैंने इनवाइट किया है लेस्टर को। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई लेस्टर को घूमने के लिए इनवाइट किया मतलब? एक्चुअली में गाइस तुम लोगों को याद होगा भाई, हम लोग कल परसों गए थे एक बहुत ही बड़ा सा बंगलो खरीदने के लिए अपने पैसे लेके, जो 300-400 करोड़ रुपए हमें मिले हैं उड़ने वाली गाड़ियां बाइकों को बेचकर, वो पैसे लेकर गए थे गाइस हम लोग एक बढ़िया सा घर ढूंढने के लिए। तो हम लोगों ने 2-3 बंगलो वगैरह देखे थे, और उसके बाद जब हम लोग गुजर रहे थे गाइस एक पहाड़ की चोटी की तरफ से, तभी हमारी नजर गई एक अबैंडन्ड कार पर। और जब उस अबैंडन्ड कार को हम लोगों ने देखा गाइस, तो हमें पता चला कि वो कार एक नॉर्मल कार नहीं है, उस कार के नीचे है एक बहुत ही तगड़ा सीक्रेट गैरेज। और फिर जब हम लोग गए उस सीक्रेट गैरेज के अंदर एंटर करके उसको एक्सप्लोर करने के लिए गए, तो भाई हमारा दिमाग बिल्कुल चकरा गया भाई, क्योंकि चारों तरफ एकदम मस्त टाइल्स वाइल्स लगी थी, मस्त पेंटिंग हो रखी थी, 3-4 गाड़ियां जमीन के अंदर थी, और लिटरली में भाई वो किसी बड़े से शोरूम से कम नहीं लग रहा था, जिसको देखकर भाई मजा ही आ गया। और जैसे ही वो चीज हमें मिली गाइस, उसको हम लोगों ने अपना बना लिया, क्योंकि हम लोगों ने उसको अंदर एंटर करने का जो सिस्टम था उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया। और फाइनली अभी गाइस सीन क्या हो गया है कि वो पूरा का पूरा सीक्रेट शोरूम अभी हमारा हो चुका है, क्योंकि भाई कोई और तो फालतू बोलने आया नहीं बीच में, तो उसे हम लोगों ने अपना ही मान लिया है। और उसको दिखाने के लिए ही गाइस मैंने बुलाया लेस्टर को, ताकि लेस्टर को भी थोड़ा अपना टूर दे सकूं अपने मस्त वाले शोरूम का। तो रेडी हो भाई तुम लोग भी? तुम लोग वापस चलना चाहोगे शोरूम? अरे बिल्कुल चलना चाहेंगे यार, क्या ही मजा आ गया था लास्ट टाइम वहां पर जाके। ऐसे गाइस उसको ओपन करने का तरीका जो हम लोगों ने बनाया वो भी एकदम क्रेजी था यार। अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना यार। बाकी अभी ये लेस्टर क्यों नहीं आया, कब आएगा ये? कब आएगा, वेट आ गया क्या? अरे हेलो फ्रैंकलिन, कैसे हो? अबे मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता तू कहाँ रह गया था? अरे वो टैक्सी से आया उन्होंने। अच्छा टैक्सी से आया तो देर लग गई। हाँ वो टैक्सी वाला बिल्कुल स्लोली स्लोली चला रहा था। तू मेरे को एक बात बता भाई, वो जो हम लोगों ने उड़ने वाली गाड़ियां बाइकें बेची है उनसे तो भाई बहुत पैसे मिले हैं अपने को, तो मुझे भी मिले और काफी अच्छा खासा परसेंटेज तुझे भी मिला है, तो उन पैसों का किया क्या तूने? कभी कुछ गाड़ी वाड़ी खरीद लिया कर? नहीं यार मैं तो बचा के रखता हूँ पैसे। ये लेस्टर भाई लिटरली में एक नंबर का कंजूस है, ये बहुत ही बड़ा वाला हैकर है, 2 सेकंड के अंदर करोड़ों रुपए इसके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। बट फिर भी गाइस आज तक एक गाड़ी नहीं ली है ढंग की, एक इसका स्कूटर है पुराना सा और एक पुरानी सी बाइक है, यही घसीटता रहता है। हैं भाई लेस्टर मेरे बारे में क्या क्या बोल दिया तुमने? हाँ खैर वो सब छोड़, तू रेडी है वो दमदार चीज देखने के लिए? अरे पका दिया यार तुमने। पका दिया है? हाँ यार बार बार फोन करके कहते हो दमदार चीज देखने के लिए, आ जा लेस्टर दमदार चीज देखने के लिए, कभी दिखा दे तो हो नहीं। अबे दिखा रहा हूँ भाई दिखा रहा हूँ, शिंचन बिंचन तुम लोग भी आ रहे हो ना भाई? अरे बिल्कुल आ रहे हैं यार। तो आ जा भाई लेस्टर, तुझे दिखाता हूँ मैं सबसे दमदार चीज। अरे फिर से दमदार चीज? अबे मतलब सबसे मस्त चीज दिखाता हूँ, तैयार हो जा बस तू। मैं तो कल परसों से ही तैयार बैठा हूँ। तो लेस्टर भाई ये देख। ये क्या है? यही है दमदार चीज, ये फालतू की गाड़ी। ओए फालतू की गाड़ी नहीं है ये, तो ये दमदार गाड़ी है। अबे नहीं मतलब ये वो दमदार चीज नहीं है जिसको देखने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। तो किस लिए बुलाया है मुझे? अबे 2 मिनट सबर कर ले यार, कितनी जल्दी है तुझे, तेरी फ्लाइट छूट रही है क्या कहीं की? नहीं नहीं यार फिर भी तुमने बिल्कुल एक्साइटमेंट अंदर भर दी है। अच्छा ठीक है 2 मिनट रुक जा, अभी पहुंचते हैं हम लोग जहां पर मुझे तुझे ले जाना है। ठीक है ठीक है। अरे कहाँ रह गए भाई, जल्दी से आ जाओ। अरे आ गए यार आ गए, हम लोग भी आ गए, चलो फटाफट से चलते हैं। वैसे मौसम सच में गाइस बहुत बढ़िया हो रखा है आज का। अबे शिंचन भाई जल्दी से तू भी बैठ जा यार। अरे बैठ रहा हूँ यार, पहले जगह तो ढूंढने तो हो। भाई इतनी बड़ी हमर है यार, इसमें इतनी खाली सीट है लेकिन इसे जगह ही नहीं मिल रही है। चलो गाइस फाइनली यहाँ पर सब बैठ चुके हैं, अभी जल्दी से निकलते हैं हम लोग उस पहाड़ की तरफ। पहाड़ की तरफ ले जाने वाले हो? अबे लेस्टर यार 2 मिनट बिना बोले सबर कर ले यार। ठीक है अब कुछ बोलियो मत जब तक हम लोग पहुँच नहीं जाते हैं। ठीक है ठीक है। तो अभी फटाफट से गाइस हम लोग उस बंगलो की तरफ चलते हैं जो कि हम लोग लास्ट टाइम देखने के लिए गए थे, जो कि हमें पसंद तो आया था लेकिन वहाँ के लोग पसंद नहीं आए थे जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई थी, फिर हम लोगों ने उनकी भी खोपड़ी उड़ा दी थी। खैर वो सब तो पुरानी बातें हैं, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से लेकर चलते हैं अपनी हमर को लेफ्ट,
और लेफ्ट से हमें फिर सीधा जाना होगा गाइस, और फिर इस तरीके से पहुंच जाएंगे हम लोग उस पहाड़ के करीब जहां पर भाई अपनी मस्त वाली दमदार वाली चीज आज मैं लेस्टर को दिखाने वाला हूँ। लेस्टर भाई रेडी है तू? अरे फिर सामने से सवाल पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है रेडी है तू, मुझे पता है काफी ज्यादा जल्दी पहुंचने वाले हैं। अरे यार गाड़ियां ठुकती रहती हैं यार मुझसे। तो देखो ये बगल में वो वाला घर है जिसको हम लोग कल देखने के लिए आए थे, और फिर इसके बाद हल्का सा हमें राइट लेके ऊपर की तरफ पहाड़ की तरफ जाना है, फिर हमें वो जगह दिख जाएगी जहाँ मैं लेस्टर को लेकर जाना चाहता हूँ। लेस्टर भाई तू तैयार है? अरे यार फिर से वही सवाल, मैं तुम्हारी चलती गाड़ी से कूद जाऊंगा। नहीं नहीं भाई लेस्टर गुस्सा मत हो। अबे यार ये बारिश वाले मौसम में रेत कितनी चमकती है यार। ओके फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। हाँ हम लोग ऊपर गए थे भाई, कल हम लोगों ने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसी चीज हमारे संग हुई थी। ओके यहाँ से हल्का सा राइट और अगेन आगे से हल्का सा लेफ्ट, और इसी के साथ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस दमदार सी जगह पर जहाँ पर भाई लेस्टर को एक मैं खतरनाक चीज दिखाना चाहता हूँ। लेस्टर ये देख, ये क्या है? टूटी फूटी पुराने जमाने की गाड़ी। अबे तू गाड़ी पे ध्यान मत दे। तो क्या उसके बगल वाली घास पे ध्यान दूं? अबे यार लेस्टर दो मिनट तू सबर कर। तो लेस्टर भाई देख यहाँ पर तुझे ये एकदम नॉर्मल सी पुराने जमाने की कोई फटी पुरानी गाड़ी दिख रही होगी। नहीं पुराने जमाने की तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ काफी दिनों से पड़ी हुई है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है इसे देख कर। बिल्कुल सही लग रहा है तुझे। अब रेडी हो जाए इस गाड़ी की सबसे स्पेशल सबसे मजेदार सबसे ज्यादा तगड़ी चीज देखने के लिए, बताओ जल्दी। तो देख इस गाड़ी में यहाँ पर देख सकता है कितनी गंदगी लगी पड़ी है, मिट्टी लगी पड़ी है। हाँ समझ गया। तो देख जब इस एरिया को मैं क्लीन करूंगा, रुक जा दो मिनट। तो अभी फिलहाल ऊपर का एरिया साफ करते हैं। अरे तो इससे क्या हो गया, इससे तो गाड़ी साफ हो रही है। अबे दो मिनट भाई सबर कर, देख ऊपर वाला एरिया में साफ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस नीचे वाले एरिया को साफ करने लग जाऊंगा उसके बाद देखियो रियल मैजिक होगा। क्या रियल मैजिक होगा? तो तुझे रियल मैजिक देखना है, रेडी हो जा। तो इस जगह को जैसे जैसे मैं क्लीन कर रहा हूँ जो गाड़ी के सामने वाला फ्रंट वाला बोनट है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। अच्छा और फिर? देखता जा बस तू। देखो गाइस इस वाले एरिया को मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, अभी रेडी हो जा लेस्टर। उधर वाला बोनट ओपन हो गया? बिल्कुल, और इधर वाला बोनट ओपन नहीं हुआ, साथ ही साथ एक सीढ़ी भी बाहर आ चुकी है। फोट सीढ़ी, ये मत कहना कि इसके नीचे एक सीक्रेट बेस है। बिल्कुल सही गैस किया लेस्टर भाई, फाइनली तूने लेस्टर गैस कर ही लिया है। इसके नीचे एक सीक्रेट बेस नहीं, एक सीक्रेट शोरूम है जिसको देखकर तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या? बिल्कुल, रेडी हो जा तू, लेट्स गो। ओके तो लेस्टर भाई इसी के साथ हम लोग एंटर कर चुके हैं अपने इस खतरनाक शोरूम के अंदर। ये तुम्हारा शोरूम है? क्यों तुझे किसका लग रहा है? सच सच बताओ फ्रैंकलिन। ओए क्या बोल रहा है तू? सही बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा भाई तू? हेलो तो मेरा ही शोरूम है। क्योंकि देखो यार मैं कुछ महीने पहले आया था जब ये शोरूम बन रहा था। क्या बकवास कर रहा है? बिल्कुल। ओ चल चल पागल हो गया क्या? झूठ मत बोल भाई लेस्टर, मजाक कर रहा है ना तू? सच में यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अबे लेकिन भाई कब आया था तू यहाँ पर? आज से लगभग 6 महीने पहले। कब कैसे तू यहाँ पर कैसे आया था? ये शोरूम एक बेनी नाम के शोरूम ओनर का है। बेनी? उसका नाम दीवारों पे लिखा भी है। ओबे हाँ यार नाम तो लिखा है, बेनी बेनी, वहाँ भी बेनी लिखा हुआ है। बिल्कुल। ओए कहीं ये वही बेनी तो नहीं है जो जिसका शोरूम है लॉस सैंटोस के अंदर? बिल्कुल सही गैस किया तुमने, ये उसी का शोरूम है और ये उसने अंडरग्राउंड बनवाया है। अच्छा तो एक बात बता, जब मैं बाहर गाड़ी को साफ कर रहा था तभी तुझे क्यों नहीं पता चल गया कि ये बेनी का शोरूम है? क्योंकि जब मैं आया था तब ये बाहर का सिस्टम कुछ तय नहीं हुआ था, बस ये अंडरग्राउंड तरीके से बन रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो गाड़ी के नीचे ऐसे सीक्रेटली शोरूम को बनवा रहा है। तो तेरा कहने का मतलब ये है कि ये शोरूम बेनी का है? बिल्कुल। तो कल परसों से इस शोरूम पर हम लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा है, तब से ये बेनी आया क्यों नहीं है भाई? वो तो पता नहीं, शायद लॉस सैंटोस के बाहर होगा वो, लेकिन जैसे ही आएगा तुम्हारी पैंट गीली कर देगा वो। लेस्टर भाई अब ज्यादा हो रहा है, ये बेनी से हम लोगों ने शोरूम छीन लिया है, अब ये शोरूम बेनी का नहीं रहा। देख लो बेनी से पंगे लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब तू निकल, तू बेकार में लेकर आएगा इस हम लोग इस लेस्टर के बच्चे को, तू निकल भाई यहाँ से। ठीक है निकल रहा हूँ मैं, लेकिन बेनी को मैं बता दूंगा। ओए लेस्टर भाई अगर तूने बेनी को बता दिया कि उसके शोरूम पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया है तो भाई तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है।
हैं? तू फिर भी बताएगा? अरे ठीक है यार, नहीं बताऊंगा। ये हुई ना बात। ठीक है भाई लेस्टर, बता मत दियो यार, देख लो मैं सच बता रहा हूँ, दोस्ती खत्म हो जाएगी अपनी। नहीं बताऊंगा यार, नहीं बताऊंगा। चलो बाहर निकलते हैं गाइस यहाँ से। ओके आ गए बाहर। चौ भाई तू नहीं आया था क्या अंदर? मैं नहीं यार, मैं बाहर ही था। अच्छा लेस्टर भाई हम लोग निकल रहे हैं। अरे मुझे घर तक तो छोड़ दो, टैक्सी पकड़ के निकल ले यार। चलो भाई लेस्टर तो गया घर, टैक्सी पकड़ के भगा दिया गाइस उसे हम लोगों ने। बट यार सही है यार, लेस्टर को हम लोगों ने बुला लिया था ये सीक्रेट बेस देखने के लिए, क्योंकि अभी हमें फाइनली पता चल चुका है गाइस कि ये सीक्रेट शोरूम किसका है। अरे हाँ यार, ये तो बेनी का निकला। बिल्कुल भाई बेनी का निकला ये तो। भाई साहब कुछ क्या बकवास कर रहा है, तुझे नहीं पता? अबे मैं तो बाहर था। अच्छा देख भाई चौप, सीन क्या हुआ है कि गाइस देखो तुम लोगों को मैं बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ कि अपने लॉस सैंटोस के अंदर दो तीन शोरूम काफी फेमस है। एक तो माइकल का शोरूम हो गया, एक अपने साइमन का शोरूम हो गया, और एक ये बेनी का शोरूम हो गया। तो ये जो बेनी का शोरूम है ये काफी फेमस है, और बेनी भी काफी फेमस है, काफी रिच बंदा है, काफी तगड़ा बंदा है। तो इसने ये सीक्रेट गैरेज सीक्रेट शोरूम जो भी है ये बनवाना शुरू किया था आज से 5-6 महीने पहले। ठीक है समझ रहा है चौप तू? ठीक है। तब वो बेनी जो था लेस्टर को घुमाने के लिए आया था। बेनी और लेस्टर थोड़े पुराने दोस्त है, तो लेस्टर को घुमाने के लिए लेकर आया था वो यहाँ पर। और सीन क्या हुआ कि लेस्टर को आज हम लोग गाइस ये शोरूम दिखाने के लिए ले गए, तो भाई पता चला कि ये शोरूम तो बेनी का है। और इसके बाद अभी लेस्टर से मैंने मना तो कर दिया कि भाई जाके बेनी को बताइयो मत कि उसके शोरूम पर कब्जा हम लोगों ने कर लिया है, बट फिर भी गाइस कभी ना कभी तो बेनी चेक करने के लिए आएगा यार अपना ये शोरूम, और शायद तब हम लोग फंस सकते हैं। भाई साहब कुल मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है तेरे पास? हम लोग यार इस वाले शोरूम को पूरा बदल देते हैं। पूरा बदल लेते हैं मतलब? अरे हाँ यार आइडिया तो बढ़िया है। आइडिया तुझे समझ में आ गया? अरे बिल्कुल यार, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया मुझे। क्या 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 समझ में आया भाई? भाई साहब देख भाई कलुए, ये जो सुपर कार है इसकी बजाय हम लोग कोई SUV लगा देते हैं। हाँ बात तो सही है। हाँ यार दूसरी कलर की कोई SUV लगा देते हैं, अलग सी दिखने वाली। अच्छा ठीक है, उसके बाद आगे बता तू। उसके बाद देख हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो अंदर जितनी भी गाड़ियां थी उनका कलर बदल देते हैं। चल ठीक है, अंदर कलर भी बदल लेंगे उसके बाद। और कुछ भी है सबूत की है उसका शोरूम है? हाँ भाई दीवारों पे बेनी ही बेनी बेनी ही बेनी लिखा हुआ है। अबे तो फिर वो भी मिटा देते हैं। वो कैसे मिटाएंगे भाई? अबे कहीं पेंटिंग लगा देंगे, कहीं दीवार लगा देंगे, इससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये बेनी का शोरूम है। और कल को अगर बेनी आया हो ये बोलने के लिए कि ये उसका शोरूम है, तब हम लोग कह देंगे भाई कि क्या सबूत है कि ये तेरा शोरूम है, ये हमारा शोरूम है, देख गाड़ी हमारी है, अंदर की भी गाड़ी हमारी है, नंबर प्लेट वगैरह सब बदल दियो तू। वह क्या बात है भाई चौप, क्या बात है यार। आज तो चौप यार बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पे दिमाग चल रहा है आज तो चौप का। भाई चौप अगर ये शोरूम बचा लिया ना हम लोगों ने बेनी से, तो इस शोरूम में 50% पार्टनरशिप तेरी। क्या बात कर रहा भाई तू? बिल्कुल भाई आज तो चौप ने दिल खुश कर दिया। गाइस कमेंट में जाकर यार चौप OP लिख दो फटाफट से। भाई जिस हिसाब से आज चौप ने अपने दिमाग को शोकेस किया है यहाँ पर, मजा ही आ गया। चौप भाई लिटरली में आजकल तू बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गया है। थैंक यू यार कलुए, तुम लोगों ने यार कभी मेरा एक्चुअली में टैलेंट समझा ही नहीं, वरना मैं तो बचपन से ही। अबे चुप हो जा, ज्यादा ही तारीफ कर दी मैंने लगता है तेरी। तो देखो गाइस सबसे पहले तो चाहिए हमें एक SUV। सबसे पहले तो इस बाहरी गाड़ी को बदलते हैं। इस सुपर कार का क्या करूं मैं? रुक जाओ, सबसे पहले तो SUV लेकर आता हूँ बढ़िया सी। अरे बढ़िया सी लेकर आ रहा है यार, और अलग ही कलर की। ठीक है अलग ही कलर की लेकर आऊंगा मैं। चलो 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 मेन हाईवे पर निकलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो ये आ चुके हैं हम लोग हाईवे पर। मुझे चाहिए एक लिटरली में अच्छी खासी SUV, ये नहीं कि लोकल सी कोई SUV लगा दी। पैसे तो अपने पास है लेकिन मैं चुरा के ही लाने वाला हूँ। जल्दी से लेकर आते हैं जल्दी से। हेलो सर जी बाहर निकलो, अपनी स्टेशन वैगन से बाहर निकलो सर। ऐसे तुम लोग सोचोगे ये स्टेशन वैगन क्या है? इस वाली गाड़ी के मॉडल को कहते हैं स्टेशन वैगन। कैसा अजीबो गरीब नाम रखा है स्टेशन वैगन। खैर जो भी हो हम लोग निकलते हैं SUV लेने के लिए। देखो भाई या तो SUV मैं ला सकता हूँ साइमन के शोरूम से या फिर माइकल के शोरूम से भी, बट माइकल और बेनी भी एक्चुअली में थोड़े बहुत दोस्त हैं, तो मैं माइकल के शोरूम से नहीं लाना चाहता, बाद में पंगे हो सकते हैं। और साइमन के भी शोरूम से नहीं लाना चाहता, क्योंकि क्या पता ये तीनों चारों शोरूम वाले आपस में दोस्त निकले। इसलिए गाइस अपने को कोई रिस्क लेना इच नहीं है। मैं जा रहा हूँ फटाफट से किसी बढ़िया सी जगह से एक बढ़िया सी SUV लेकर आने, और फिर उस SUV को रिप्लेस कर देंगे अपनी सुपर कार के साथ। लेट्स गो। तो मैं पहुंच चुका हूँ गाइस इस वक्त लॉस सैंटोस। वैसे मैं एक चीज सोच रहा था यार, वो तो सही है भाई, लेस्टर को मैं दिखाने के लिए ले आया अपना शोरूम, वरना तो भाई जिस दिन डायरेक्ट बेनी आता फिर तो वो हमसे ये हमारा शोरूम छीन ही लेता।
बट अभी लेस्टर की हेल्प से गाइस हमें पता चल चुका है कि शोरूम जो है वो बेनी का है। तो अभी जल्दी से जो पूरे के पूरे शोरूम है उसका लुक बदल लेते हैं कि बेनी भी खुद ना पहचान पाए कि ये उसका शोरूम है। और फिलहाल मैं एक एसयूवी लेने के लिए आया हूँ गाइस, और मैंने यहाँ पर दो तीन लोगों से पता किया कि सबसे बेस्ट एसयूवी कभी देखी है उन लोगों ने जिंदगी में। तो उन लोगों ने बताया कि जो लोम बैंक है यहाँ पर आजू बाजू उन लोगों ने एक रेड कलर की एसयूवी देखी है। तो मैं सोच रहा था यार इधर चेक करते हैं, क्या पता कोई एसयूवी मिल जाए रेड कलर की। ये लोम बैंक की पार्किंग है आई गेस, पार्किंग के अंदर तो कोई रेड कलर की गाड़ी नहीं है। रेड कलर की एसयूवी तो छोड़ो यार, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं है, बाहर ही मिलेगी आई गेस गाड़ी। वैसे भी ये नॉर्मल पार्किंग है। ओ वेट, यहाँ पर भी एक पार्किंग है आई थिंक गाइस, यहाँ पर हो सकती है वो रेड कलर की एसयूवी जो लोगों ने देखी है। मे बी आई थिंक नहीं, यहाँ पर भी नहीं है भाई वो रेड कलर की एसयूवी। तो फिर कहाँ भाई, कितनी बड़ी पार्किंग है यार। ओए वेट, और किस बिल्डिंग के अंदर से निकल गया मैं? ओ लोम बैंक तो वो है। अबे यार कहाँ से निकल गया मैं, पता नहीं कहाँ पर देखी है यार लोगों ने एसयूवी। चेक करते हैं जरा इधर। यू वेट, वो रही है एसयूवी। अबे एसयूवी यहाँ पर कौन रखता है, काफी बड़ा बैंक है आई गेस ये। एसयूवी सही तो लग रही है यार भाई, का सॉलिड लग रही है यार, काफी बड़ी है ये तो। दूर से तो छोटी मोटी एसयूवी लग रही थी। अरे यार सही गाड़ी का जुगाड़ हो गया फिर तो। चलो गाइस इस वाली गाड़ी को समझते हैं हम लोग अपना, और लेकर चलते हैं इसे फटाफट से सीक्रेट बेस की तरफ। क्या सॉलिड लग रही है, क्या कलर है भाई, और कलर क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। जैसा मौसम है इस वक्त अपने लॉस सैंटोस का, इस मौसम में गाइस ये कलर बहुत ज्यादा खिल के आ रहा है। फिलहाल जल्दी से इस वाली गाड़ी को लेकर निकलते हैं हम लोग सीधे अपने सीक्रेट शोरूम की तरफ, जिसको अगर अपना बनाना है तो उसका हुलिया तो बदलना पड़ेगा। तो चलो भाई एसयूवी का तो जुगाड़ हो गया, ये मेन एंट्रेंस रहेगी गाइस हमारे शोरूम की, जिसको हम लोग पूरा ही बदल लेते हैं। लेट्स गो। और उस सुपर कार क्या क्या करना है ये सोचना पड़ेगा, मेरे पास एक आइडिया है तो सही, वही एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो फिलहाल इसको लेकर चलते हैं शोरूम की तरफ। इसकी स्पीड मेरे को हल्की फुल्की लग रही थी, बट और ऑफ रोडिंग तो क्या ही गदर हो रही है इस वाली गाड़ी से। यार ऑफ रोडिंग टेस्ट वगैरह बाद में करेंगे, अभी तो फिलहाल लेकर चलते हैं यार ऊपर की साइड। वैसे गाइस तुम लोगों ने यार अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यस गाइस अभी अभी जाओ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो। बाकी वो जो सुपर कार है उसको हटाते हैं, और जो उसके साथ मैकेनिज्म था भाई, वो जो गंदगी है उसको मिटाओ और फिर बोनट खुलेगा, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेट कर देते हैं इस वाली एसयूवी के संग। भाई कैसी लग रही है इंजन मिंजन एसयूवी? अरे यार ये तो काफी तगड़ी लग रही है। लग रही है ना भाई, एक नंबर। कहाँ से लेकर आया बे? बस मिल गए यार मेरे को। चलो यार जल्दी से पूरा मैकेनिज्म सेट करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पर गाइस पूरा मैकेनिज्म सेट हो चुका है, और यहाँ पर इस सुपर कार को हम लोगों ने बाहर निकाल के फेंक दिया है। और अभी देख सकते हो भाई बढ़िया लग रही है एकदम गाड़ी, पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने सेट कर दिया। बट एक चीज है यार, धूल मिट्टी नहीं है जरा सी भी गाड़ी पे, गाड़ी पे आई गेस धूल मिट्टी लगानी पड़ेगी। ओए धूल मिट्टी पकड़ पकड़ के लाओ बे, बहुत धूल मिट्टी है इधर, लाओ और गाड़ी को परखते चले जाओ। अरे अभी लाते हैं यार। धूल ही नहीं मिल रही, अबे यही तो है यार धूल, मैं क्या इतनी दूर जा रहा हूँ धूल लेने के लिए। इतनी धूल आई थिंक काफी है, काफी ज्यादा धूल मिट्टी लगा दी यार, कीचड़ कीचड़ लगा दी है चारों तरफ। और अभी लग रहा है भाई इस गाड़ी को देखकर लिटरली में कि भाई काफी दिनों से ये गाड़ी पड़ी हुई है। वैसे उतना खास तो नहीं लग रहा है कि काफी दिनों से पड़ी हुई है, क्योंकि काफी चमक रही है गाड़ी, बट फिर भी ठीक है। और तुम लोग सोच रहे हो गाइस कि मैं ये वाली भी एसयूवी लगा सकता था, मैं लगा सकता था भाई, लेकिन ये वाली एसयूवी जो है हम लोगों ने बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही खरीदी है, तो पंगे होने के चांसेस थे, इसलिए भाई मैंने ये वाली एसयूवी नहीं लगाई है। और वैसे भी ये वाली एसयूवी लग भी नहीं पाती है, थोड़ी और ज्यादा उठी हुई है जमीन से, तो शायद नीचे का सीक्रेट बेस दिखता। फिलहाल दिख तो इसमें भी रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर पत्तियां वगैरह लगा दी है, तो आगे से कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर है। अभी क्लोज कर देते हैं इसे। अरे लेकिन उसका तो कुछ जुगाड़ करो यार। हाँ इस सुपर कार का जुगाड़ है मेरे दिमाग में, अभी तुम लोग फिलहाल यहीं पर रहना, हिलना डुलना मत यहाँ से। अरे ठीक है यार, लेकिन इसका कुछ करो। इसका जुगाड़ करने का मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, सबसे पहले तो गाइस इसके अंदर बैठते हैं, ठीक है। इसके अंदर बैठ गया मैं, और इसको भी फटाफट से लेकर चलते हैं यहाँ से कहीं और। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो यार? अबे तुम लोग यहीं रहने पे कहीं जाना मत, इसको लेकर चलते हैं गाइस आजू बाजू के किसी समुद्र के अंदर, ठीक है। और वहां पर ले जाके मैं इस पे स्टिकी बॉम्ब्स लगा के समुद्र के अंदर धक्का दे के इसे ब्लास्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से गाइस इस सुपर कार के बारे में किसी को जरा सा भी पता भी नहीं चलेगा कि ये सुपर कार आखिर में गई कहाँ। वैसे मैं चाहूँ तो इसे बेच भी सकता हूँ, लेकिन यार फिर उसमें खुद के ही फंसने के चांसेस है, इतना रिस्क क्यों लेना है यार। वैसे भी उस बढ़िया से शोरूम के सामने इस गाड़ी की कुछ भी औकात नहीं है, तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। बगल में ही है वैसे भी समुद्र, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। और लो भाई ये कहाँ हाईवे से नीचे गिर गया मैं, तो काफी करीब हूँ मैं यहाँ पर, लेट्स
वो बहुत वैसे भी तोड़ फोड़ के लाया हूँ मैं इसे। ये तो लगता है बिना स्टिकी बॉम्ब्स के भी ब्लास्ट हो जाएगी। ओके ओके, यहाँ पर इस तरीके से, और फिर इसी के साथ गाइज अभी मैं स्टिकी बॉम्ब लगा देता हूँ और फिर उसके बाद पानी के अंदर जंप लगा दूंगा बूस्ट देके। वैसे भी इसके अंदर देखो बूस्ट है। चलो स्टिकी बॉम्ब्स लगाते हैं बाहर निकल के। ओके स्टिकी बॉम्ब्स मैं लाया था 25 है मेरे पास, सारे लगा देते हैं फटाफट। तब तक तुम लोग जाकर गाइज इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर दो अभी तक नहीं फॉलो किया तो, और वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। यस गाइज अभी के बजाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी लो भाई ये इधर और सारे स्टिकी बॉम्ब्स लगा देता हूँ इस पे मैं। बेनी का शोरूम था तो आई गेस ये गाड़ी भी पूरी की पूरी बेनी की ही होगी। चलो भाई आई एम रेडी नाउ, लेट्स गेट रेडी। ओके फुल स्पीड बूस्ट देना होगा हमें। चलो भाई लगाई जंप गाड़ी से बाहर और ये गाड़ी हो गई है पानी के अंदर जाके बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट, और साथ ही साथ एक जेट्स की भी ब्लास्ट हो गई है। बट कोई बात नहीं, कहाँ गई गाड़ी? ओ वो रही भाई, हवा में चली गई थी वो गाड़ी। वॉट, कोई बात नहीं, सही है यार, पानी के अंदर काफी अंदर चली गई है वो गाड़ी। और अभी उस गाड़ी का बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, जीपीएस वीपीएस होगा सब डिस्ट्रॉय हो गया होगा। लेकिन यार जीपीएस में यहाँ तक की तो लोकेशन आई गई होगी। अरे खैर छोड़ो यार, कुछ भी हो अब किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। वैसे भी वो गाड़ी बह के समुद्र की लहरों में पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो अभी मैं जल्दी से निकलता हूँ गाइस यहाँ से सीधा अपने सीक्रेट शोरूम की तरफ, और फटाफट से अंदर का भी काम खत्म करते हैं क्योंकि अंदर भी गाड़ियां हैं यार, उसके नंबर प्लेट वगैरह सब बदलना पड़ेगा गाड़ियों का, और दीवारों पे जो बैनी लिखा है उसका भी कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से निकलते हैं वापस। चलो भाई पहुंच गया फाइनली अपने शोरूम की तरफ, चलो भाई अंदर चलते हैं। अब यार गाड़ी के अंदर ब्रेक भी नहीं लगा है और गाड़ी से कूद गया मैं, तो अभी जल्दी से अंदर चलते हैं। शिनचैन मिनचैन पेंट वगैरह तैयार है? अरे हाँ यार लेकर आ चुके हम लोग। बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है, इनसे तो मैं बोल के भी नहीं गया था पेंट की, तुम लोग वैसे ही लेकर आ गए। भाई साहब कल हम लोग सॉलिड है भाई बिल्कुल। तो चलते हैं अंदर फटाफट से, गाड़ी को घिसते हैं और निकलते हैं अंदर सीधे। ओके आ गए हैं यहाँ पर। ओ भाई पेंट वेंट का जुगाड़ तो एकदम सॉलिड कर दिया इन लोगों ने। तो देखो गाइस जहाँ जहाँ बेनीज लिखा हुआ है, पहले मैं देख लूँ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। एक तो यहाँ लिखा हुआ है, एक दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई पूरे शोरूम में इसने बेनी बेनी लिख रखा है क्या? दो जगह, दो के अलावा यहाँ पर लॉस सेंटोस लिखा है। चलो ये तो कोई नहीं, ये तो कोई भी लिखता है। दो जगह बेनी मिल गया लिखा हुआ, इसके अलावा अपने को इधर भी लिखा है क्या? एक तो ढंग से समझ भी नहीं आ रहा है लिखा कैसे है इसने, किस फॉन्ट में। इधर भी देखो सामने भी बेनीज लिखा हुआ है, तीन जगह मिटाना है। ये देखो ये तो क्लियर दिख रहा है बेनीज, चार जगह मिटाना है। अबे यार कितना मिटाना है, वो देखो ऊपर भी है पाँच जगह, और अरे इधर भी है यार, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है छः जगह, और छः जगह मिटाना है अपने को आई गेस। यस गाइस छः स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर बेनी बेनी लिखा हुआ है, या तो वहाँ पेंटिंग्स लगा देंगे या तो पेंट कर देंगे। लेट्स गो, अब इस काम को ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारी जगहों का मैंने काम फिनिश कर दिया। एक तो सबसे पहले यहाँ देखो भाई, इधर का काम फिनिश हो गया है, बेनीस ख़त्म हो चुका है यहाँ से लिखा हुआ। एक यहाँ पर भी बेनी लिखा हुआ है यार, इसको भी इरेज करना होगा। ये देखो भाई यहाँ पर तो एकदम पेंटिंग और मैंने कलर दोनों कर दिया, पहले पेंटिंग लगा दी उसके ऊपर कलर चिपका दिया, इस तरीके से इधर छुप चुका है। और एक और जगह का मैंने सीन छुपा दिया है गाइस, ये देखो भाई इधर देखो, ये तो चमक भी रहा है अभी 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 पेंट किया है इसलिए। इधर भी बेनी जो लिखा हुआ था मैंने पूरा मिटा दिया है फटाफट से, सब जगह से मिटाते हैं। कितना लिख रखा है यार इसने हर जगह। तो कुछ और जगह का नाम मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। एक तो इधर देखो भाई, इधर बैनी पेंटिंग वेंटिंग सब लगा दिया है, इधर का पूरा पिंक कर दिया है, इधर भी कुछ नहीं पता चल रहा है। और मैंने कलर भी गाइस थीम के हिसाब से किया है, और इधर तो मैंने दो चार पेंटिंग्स लगा दिए हैं। बहुत मुश्किल था यार ये सब छुपाना। अब यार इधर भी रह गया है, इधर कौन सा कलर, पिंक, पिंक लग जाएगा, हाँ पिंक लगा देते हैं। तो यहाँ भी मैंने पिंक लगा दिया है, और आई थिंक अभी सब कुछ सेट है। ओके अबे यार इनका कलर भी तो बदलना है सारी गाड़ियों का, सारी गाड़ियों को भी पेंट कर डालते हैं यार। दिक्कत कोई है नहीं पेंटिंग के लिए क्योंकि यहाँ पर पेंट रूम भी है, तो सारी गाड़ियों को इजीली पेंट कर सकता हूँ मैं, बस इसे खोलना है। रुक जाओ भी खुल जाएगा। तो चलो इसका भी कर दिया है कलर चेंज। तो देखो गाइज इसका कलर था पहले मिंट ग्रीन, उसको मैंने ब्लू कर दिया है। जिस गाड़ी में मैं इस वक्त बैठा हूँ इसका कलर था पिंक, इसको मैंने पूरा ही बदल दिया है। बस सारे पेंट के डब्बे फूट रहे हैं, वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, सारे कलर का यूज़ कर लिया है मैंने। और एक अंदर भी गाड़ी थी, उसका कलर आई थिंक ग्रीन था,
जिसको मैंने अभी फिलहाल के लिए तो ऑरेंज कलर का कर दिया है। तो अभी पूरा का पूरा जो बेनी का शोरूम है गाइस, उसको मैंने छुपा दिया जितना मुझसे छुप सकता था। और अभी देखते हैं गाइस क्या सीन होता है जब बेनी यहाँ पर आएगा और दावा करेगा ये उसका शोरूम है। भाई मैं तो साफ साफ उसे वापस भेज देने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। फिलहाल तो गाइस तुम लोग आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन ऑन कर देना। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।